जोशीमठ के पीड़ितों ने पीएम मोदी से सभी राहत और बचाव कार्य अपने हाथों में लेने का अनुरोध किया है। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति ने राहत कार्य धीमा होने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से राहत पुनर्वास और जोशीमठ की सुरक्षा का काम व्यक्तिगत तौर पर देखने का अनुरोध किया है। इनका कहना है कि राज्य सरकार ने पहले से दी जा रही चेतावनियों को अनदेखा किया, इसलिए आज जोशीमठ की ये स्थिति है। राजस्थान कांग्रेस में कलह एक बार तब खुलकर सामने आई जब सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। पेपर लीक की घटनाओं पर मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट बोले कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जिससे मन आहत होता है। पायलट बोले कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और छोटी मोटी दलाली के बजाय सरगनाओं को पकड़ना चाहिए। साउथ सुपरस्टार प्रभास जल्द ही डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग फिल्म में नजर आएंगे। दरअसल प्रभास ने डायरेक्टर संग एक बड़ी फिल्म साइन कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ की फिल्म में प्रभास लीड रोल में फुल एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ का ये प्रोजेक्ट पैन इंडिया है। मैत्री मूवी मेकर्स के नवीन येरनेनी ने प्रभास के साथ एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। नवीन ने नंदामुरी बालाकृष्णन की चैट शो अनस्टॉपेबल विद NBK सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इस आने वाली फिल्म को लेकर सिद्धार्थ और प्रभास हैदराबाद में कई मीटिंग कर चुके हैं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोट के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। श्रेयस बैक इंजरी की वजह से सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। BCCI ने उनकी जगह रजत पाटीदार को टीम में चुना है। अय्यर अब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिपोर्ट करेंगे। बता दें कि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 18 जनवरी से शुरू हो रही है, जिसका पहला मैच हैदराबाद में खेला जाएगा।